कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अंबाला कैंट से परिमाल परी, पानीपत रूरल से सचिन, कुंड नरवना से सतवीर डुलवान से सर्वदीप कंबोज और तिवगांव रोहित नागरा के मैदान में उतारा है। उससे पहले कांग्रेस ने पहली, दूसरी और वही बीजेपी ने बुधवार देर रात तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने सिरसा सीट से रोहताश जांगड़ा को मौका दिया है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव पर दांव खेला है। वही फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उतारा है। इससे पहले कांग्रेस ने 40 और उम्मीदवार घोषित किए। इस लिस्ट में महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। रणदीप सुरजेवाला पिछली बार विधानसभा चुनाव में कैथल से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने पंचकुला से पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, हिसार से राम निवास रारा, भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाला, अंबाला शहर से निर्मत सिंह, ऐलानाबाद से भरत सिंह बेनीवाल और आदमपुर से चंद्रप्रकाश को मैदान में उतारा है, जबकि फरीदाबाद से लखन कुमार सिंघला, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा, फतेहाबाद से बलवान सिंह और हतीन से मोहम्मद इसराइल को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार 11 सितंबर को अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी थी। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ से टिकट काट दिया है। बीजेपी ने इसी के साथ सभी 90 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने सिरसा से रोहताश जांगड़ा को और फरीदाबाद एनआईटी सीट से सतीश फागना को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इससे पहले दो सूचियों में 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि केलांचल टाइम्स